अस्सलामुअलैकुम एचएनएन न्यूज़ में आपको खुश आमदेद। दिन भर की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल सत्तार। सबसे पहले हेडलाइंस। लाहौर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने सजाए मौत के ज़हनी माजूर कैदियों को फांसी देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुना दिया। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ शदीद धुंध के बायस अंदरूनों बैरूने ममालिक आने और जाने वाली मुतअद्दिद परवाजें मनसूखों ताखीर का शिकार हो गईं। वकला के इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर धावा बोलने के तीसरे रोज विफाकी दारुल हुकूमत में अदालतें खुल गईं। आईजी बलोचिस्तान ताहिर राय ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस को सफ़े अव्वल पर रज़ाकाराना तौर पर लड़ना होगा। बलोचिस्तान के महकमे सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फर्स्ट एड और दीगर तिबी इमदाद के लिए मोबाइल मोटरबाइक सर्विस शुरू करने का फैसला कर लिया। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 62 अफराद इंतकाल कर गए और 1000 से ज्यादा नए केसेस भी रिपोर्ट हो गए। मौबा ने खसूसी बरा इत्तला पंजाब फिरदौस साजिद अवान का कहना है कि मौलाना फजल रहमान की तकरीर में जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है उस टेक्नोलॉजी का आंसर पीडीएम के दीगर जलसों में भी नजर आएगा। सांगड़ बल्दिया मुलाजिम पर सफाई न करने वाले नौजवान पर जिला इंतजामिया की हिदायत पर पुलिस के तशद्दुद पर शहरियों का पुलिस और जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा। लाड़काना के करीब डोकरी में वाके गांव के नज़दीक मासूम 5 साल बच्ची से इंसानियत सो सलूक सफाक दरिंदों ने ज्यादती का निशाना बना दिया। सांगर शहर दहशतगर्दी की अलामत बन गया, पुलिस का किरदार इंतहाई मायूसकुन, शहरी परेशान।